समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ये ना सोचिए कि जो आपके पास समय है उनमें कितनी जिंदगी है, बल्कि ये सोचिए कि जो जिंदगी आपको मिली है उनको किस तरीके से आपने जिया है। एक एक क्षण कीमती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो जिंदगी है वो हमें समय का सही तरीके से उपयोग करना बताती है, और जो समय है वो हमें जिंदगी की कीमत को पहचानने का एक तरह से कहीं ना कहीं मौका देते हैं। तो जो भी समय है उसका सदुपयोग करिए, यानी क्वालिटी टाइम जो है उसे बिताइए। और जाहिर तौर पर कई लोग ये शिकायत करते हैं पराक्रम कि जी जिंदगी में समय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जितना भी समय है अगर उसको हम सही से उपयोग करेंगे तो काफी होगा। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज हेलो इंडिया में क्या है खास। हेलो इंडिया में नजर होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके अलावा हेलो इंडिया में बताएंगे आज की गतिविधियों के बारे में, और साथ ही आज के खास दिन पर होगी नजर। आज राष्ट्र के नायक सीरीज में भी हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में। साथ ही आज इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस है, बताएंगे आपको इस दिन का महत्व और ये क्यों मनाया जाता है ये भी। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो और भी बहुत कुछ होगा खास, अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हेलो इंडिया में मेरे और प्रीति के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। और सबसे पहले खबरों में नजर डालेंगे, देश की बड़ी खबरें देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तुर्कमेनिस्तान से नीदरलैंड रवाना होंगे। रविवार को राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान को संबोधित किया और इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। राष्ट्रपति ने अशगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय अकाल टेक इक्वेस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स में एक हॉर्स शो भी देखा और मैक्टी मुगली नेशनल म्यूजिकल ड्रामा थिएटर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और अशगाबाद के योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का दौरा किया। थल सेना अध्यक्ष COS जनरल MM नरवणे आज से 6 अप्रैल तक सिंगापुर के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो भारतीय सैन्य तंत्र को मजबूत करना और भारत और सिंगापुर की मौजूदा ताकत को मजबूत बनाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि खेल विकास योजनाएं और पहल भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अब तक अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 11,482 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जा चुका है। खेलो इंडिया योजना के तहत 289 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न युवा एवं खेल विकास योजनाओं के तहत 12,788 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश का निर्यात अब 415 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आत्मविश्वास दिया है कि देश बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें पूर्ण करने का सामर्थ्य रखे। भारत नए युग में प्रवेश कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, इसके लिए हम सभी संकल्पित हैं। 2 साल से अधिक के अंतराल के बाद आज से सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू होगी मामलों की फिजिकल हियरिंग। COVID-19 महामारी की वजह से लंबे समय से वर्चुअल सुनवाई ही कोर्ट में हो रही थी। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% भर्ती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। स्कूल चलो अभियान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को आकार देने और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास की दिशा में एक प्रयास होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को एक एक स्कूल गोद लेने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज वायु प्रदूषण पर बहु विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें खुले में कचरा जलाने, लैंडफिल स्थलों पर आग और धूल प्रदूषण के खिलाफ अभियान की योजना बनाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1466 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र के सभी किलों के लिए रोपवे बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वेबसाइट टेंपल 360 का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे और कई कारणों से मंदिर भी नहीं जा पाते थे। अब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म टेंपल 360 वेबसाइट पर कहीं से भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग ई दर्शन, ई आरती और ई प्रसाद में शामिल हो सकते हैं। मणिपुर में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड के 14 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण की दर 6.3% है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। सक्रिय मामलों की संख्या 41 हो गई है। राज्य में अब तक 27,91,917 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई जगहों पर रोजाना पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। अगले 5 दिन कई राज्यों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तपती गर्मी और लू का अलर्ट भी जारी किया है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। श्रीलंका में आर्थिक संकट तो गहरा ही गया है, हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में 36 घंटे वाला लगाया गया कर्फ्यू भी अब समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की सड़कों पर कई जगह जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का, और इंशाल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब मेरा जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। रविवार के दिन संसद की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चली। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके कुछ देर बाद इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। रूस के कब्जे से मुक्त कराए गए कीव में 410 लोगों के शव बरामद किए गए। बूचा इलाके में मिले शवों की जानकारी वहां के मेयर ने दी। यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार का आरोप लगाया। आज फिर से रूस यूक्रेन वार्ता का दौर है। हंगरी में संसदीय चुनाव में चौथी बार वाइड्स पार्टी के नेता विक्टर ओरबान को जीत हासिल हुई है। ओरबान शुरू से ही यूरोपीय संघ के शरणार्थी नीति का विरोध करते रहे हैं।
सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह ग्रैमी अवार्ड्स लास वेगास के एमजीएम ग्रैंड गार्डन अरेना में दिए जा रहे हैं। लीव द डोर ओपन ने जीता सॉन्ग ऑफ द ईयर। अमेरिकी गायक और गीतकार क्रिस स्टैपल्टन के एल्बम स्टार्टिंग ओवर ने बेस्ट कंट्री एल्बम ग्रैमी अवार्ड जीता। अमेरिकी गायक और गीतकार ओलिविया रोड्रिगो को डाइवर्स लाइसेंस के लिए बेस्ट पॉप सोलो न्यू आर्टिस्ट अवार्ड दिया गया। और इन खबरों के बाद अब हम बात करेंगे राष्ट्र के नायकों की। और इस कड़ी में हम राष्ट्र के नायक सीरीज में आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में। आइए जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के बारे में, और आपको बताते हैं कि केशव बलिराम हेडगेवार का योगदान देश के निर्माण में क्या रहा। एक अप्रैल वर्ष 1889 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। केशव बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। हेडगेवार पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर के जीवन की घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव था। वर्ष 1910 में जब ये पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वहाँ क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजों के खिलाफ उग्र भाषण देना शुरू किया। वे असहयोग आंदोलन में भी जेल गए थे। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने काफी सक्रियता से भाग लिया। वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन ही हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। इन्होंने संघ के बारे में कहा था कि देश का मौजूदा भाग्य तब तक नहीं बदल सकता जब तक लाखों नौजवान इस लक्ष्य के लिए अपना जीवन नहीं लगाते। वर्ष 1930 में हेडगेवार नमक सत्याग्रह से जुड़ गए और इस दौरान जंगल सत्याग्रह में वे जेल भी गए। 21 जून वर्ष 1940 को बीमारी के चलते डॉक्टर हेडगेवार का देहावसान हो गया। और राष्ट्र के नायकों की बात, आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। आज ही खास गतिविधियों की बात करें तो दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर लोकसभा में आज विचार होना है। आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों का इसके जरिए माप लिया जा सकेगा। इसके अलावा राज्यसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चर्चा का जवाब देंगे। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा जारी रहेगी। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2022 पर राज्यसभा में विचार होना है। ये भी आज कामकाज में लिस्टेड है। संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। संस्थान के सदस्यों के खिलाफ मामलों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करने के भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद में भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा के निमंत्रण पर नीदरलैंड पहुंचेंगे। ये यात्रा 7 अप्रैल तक चलेगी। साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दोपहर 2 बजे नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च करेंगे। आज से परिसीमन आयोग श्रीनगर और जम्मू को 2 दिवसीय यात्रा पर परिसीमन आयोग की टीम है। वो सार्वजनिक और नागरिक समाज समूहों के उन सदस्यों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुझाव और आपत्तियां पेश की हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको लिए चलते हैं कश्मीर में डल झील की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। यहाँ एक सांस्कृतिक लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कोविड के लंबे अंतराल के बाद पर्यटन विभाग ने श्रीनगर में सांस्कृतिक गतिविधियां फिर शुरू की हैं। Thank you.
देश के भीतर मुद्दे हजार, संसद में हर मुद्दे पर गंभीर विचार। पीड़ित वंचित लोगों के लिए सदन है ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। कभी इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। विपक्ष के सवाल, उत्तर देती सरकार। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। लंबी बहस, रोचक वाद विवाद। डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देखिए संसद संवाद सिर्फ संसद टीवी पर। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी, लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की, और पलटते हैं 4 अप्रैल की तारीख के पन्नों को और नजर डालते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज की तारीख के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 4 अप्रैल वर्ष 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। ये भारत के लोकप्रिय कवि, लेखक और पत्रकार थे। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाएं इनकी रचनाओं की विशेषता थी। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार कर नई पीढ़ी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आह्वान भी किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का काफी सुंदर तरीके से चित्रण हुआ है। इनके काव्य कृतियों में हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी और युगचरण हैं, तो वहीं इनके गद्य कृतियों में कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए ही प्रदान किया गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कर इनके योगदान को इंगित किया गया है। वर्ष 1963 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रीति, माखनलाल जी का जिक्र यहाँ पर हुआ और उनकी बहुत सुंदर रचना चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये जैसा कि इतिहास के जरिए भी बताने की कोशिश की गई कि जो उनकी रचनाएं थी वो मुख्य रूप से राष्ट्र प्रेम की भावना उसमें प्रदर्शित होती थी। वाकई में आज ऐसे महान कवि हमारे देश की धरती पर हुए हैं प्रीति, जिनसे सीख हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ले सकती हैं। बिल्कुल, और आज हम उन्हें प्रणाम भी कर रहे हैं। और आज के इतिहास के बाद अब आज खास क्यों है आज का दिन, इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल पराक्रम, आज विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। और हम देखें तो लैंडमाइंस जो हैं उनकी वजह से तमाम खतरे पैदा होते हैं जिनसे आम लोग उस तरह से वाकिफ नहीं हैं, और इन खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, उसी लिहाज से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और लोगों को जागरूक कर सकें इस लिहाज से आइए जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है और इसके पीछे के मनाने की जो वजह है वो भी आपको बताते हैं। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस लोगों को लैंडमाइंस की वजह से पैदा हुए खतरे से सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही राज्य सरकारों को खदान क्लियरिंग प्रोग्राम विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। 8 दिसंबर 2005 को यूएन जनरल असेंबली ने 4 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य था उन देशों में खदान कार्य क्षमता स्थापित करना और विकसित करने में सहायता करना जहां खदानों और विस्फोटक युद्ध अवशेष सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके लिए राज्यों, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संगठनों के साथ मिलकर सहायता की जाती है।
और आज के खास दिन के बाद प्रीति एक खास बात यहाँ पर दर्शकों को इस सेगमेंट के जरिए, और वो सेगमेंट क्या है उसकी शुरुआत हम पहले आपको बताते हैं। अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध और भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम हस्ताक्षर लिखने वाले, पंजाब के अमृतसर में जन्म लेने वाले फील्ड मार्शल सैम होमजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। बिल्कुल, भले ही शायद ही कोई होगा जो मानेकशॉ के बारे में नहीं जानता होगा। दूसरे विश्व युद्ध से ही उन्होंने मौत से खेलना शुरू कर दिया था, ना कभी डरे ना ही उन्होंने भयभीत होने वालों को कभी बख्शा। 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जीती गई वॉर भी उनके युद्ध कौशल का ही परिणाम थी। कल मानेकशॉ की जयंती थी, हेलो इंडिया में सैंडार्ट के माध्यम से उनको याद करते हैं। अंग्रेजों के जमाने 1934 में सेना की वर्दी पहनने वाले मानेकशॉ दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा अभियान के दौरान जापानी हमले में घायल हो गए। पेट में गोलियां लगने के कारण उनका बचना नामुमकिन हो गया। रंगून के अस्पताल में उन्हें ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बेहद मजाकिया लहजे में कहा, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। डॉक्टर चौंका और चौंक कर बोला, मौत की कगार पर होने के बावजूद तुम्हारा ये मजाक अच्छा लगा, तुम्हारा यही जज्बा तुम्हें मौत के मुंह से बाहर ले आएगा। और ऐसा ही हुआ, मानेकशॉ ने मौत को शिकस्त दी और 14वीं सेना के 12 फ्रंटियर राइफल फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर बर्मा के जंगलों में फिर से मोर्चा संभालने पहुंच गए। कुछ वर्षों बाद भारत आजाद हो गया और मानेकशॉ आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। 1947-48 की कश्मीर लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद नागालैंड समस्या को सुलझाने में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन देश को असली सम्मान तो मानेकशॉ ने दिलवाया 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में। 7 जून 1969 को मानेकशॉ भारत के 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी द्वारा सताए गए शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत आने लगे। युद्ध तय हो गया और मानेकशॉ ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना का नेतृत्व करके पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर और भारत को जीत दिलवाकर भारतीय सेना का स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को युद्ध करने से साफ तौर पर मना कर दिया था और इंदिरा गांधी उनसे नाराज हो गई थी। मानेकशॉ का कहना था कि बिना तैयारी के सेना ने युद्ध किया तो भारत युद्ध नहीं जीत पाएगा। मानेकशॉ ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तैयारी के लिए समय दिया गया और भारत ने 1971 का वो युद्ध पाकिस्तान के 1,00,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाकर जीत लिया। देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 4 दशकों तक देश की सेवा की और 15 जनवरी 1973 को वो रिटायर हो गए। लेकिन इस मलाल के साथ कि 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद हुए शिमला समझौते में कश्मीर का मामला नहीं सुलझाया गया। अगर ऐसा होता तो पूरा कश्मीर आज भारत का होता। देश के इस रणबांकुरे मानेकशॉ के जीवन से जुड़ी ढेरों साहसिक घटनाएं हैं जो आज भी देश को प्रेरित करती हैं। इस रणबांकुरे को देश का सलाम। ये भारत के निर्माता हैं, नव भारत निर्माता, जिनके योगदान को हम सभी को याद करने की जरूरत है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले अहम कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं कार्यक्रम संसद में आज, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ा हुआ हमारा खास कार्यक्रम, और 11 बजे सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर। शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दे पर चर्चा मुद्दा आपका में, रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरें आज की खबर। रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा इंग्लिश डिबेट शो पर्सपेक्टिव, और रात 9 बजे इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। 10 बजे देखना ना भूलिए दिन भर की संसद में हुई कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन इंग्लिश में हाउस हाइलाइट्स, और उसके बाद हिंदी में देखिए हमारा खास बुलेटिन सदन दिन भर।
पत्थर में प्राण फूंकने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को चरितार्थ किया कुछ चित्रकारों ने एक बड़ी रॉक को देशभक्तों की पेंटिंग से रंगकर। चलते चलते आपको दिखाते हैं इन खूबसूरत तस्वीरों के सुंदर रंग और इन पेंटिंग्स की कुछ खास झलकियां। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद ठीक 10 बजे संसद टीवी पर देखना न भूलें संसद की गतिविधियों पर हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। तो फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।